हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नवीन बाइक फीचर पर। दोस्तों आज इस एसएफडीएस में मैं कई आइटम और लगाने वाला हूं, तो उनकी वीडियो आपने अभी तक पहले का पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी, वहां से आप जाकर देखो। अब मैं इसमें हॉर्न लगाने वाला हूँ और कई सी प्रोजेक्टर और LED लाइट लगाऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखो तभी आपको समझ में आएगा। ये है रूट्स वाले हॉर्न जो मैं इसके साइड में लगाऊंगा, तो मैंने इसके साइड में नट बेल्ट करा लिए हैं। और मैंने रूट्स वाले हॉर्न की वीडियो पहले भी बनाई थी, तो वहाँ पर आप जाकर फुल वायरिंग देख सकते हो, जिसे आप कभी भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे, ताकि मेरी वीडियो आपके पास तुरंत आती रहे। तो चलो हम कर लेते हैं फिट इसको। अगर दोस्तों अब आप डबल हॉर्न लगाते हो तो कटआउट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, खासकर रूट्स वाले हॉर्न में। इसमें कटआउट लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है, नहीं तो आपकी बैटरी 2-3 महीने में ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसको एकदम फिट कर दिया है और ये है इसकी कटआउट की पिन, दो अलग से मैंने बनाई हुई है। इसमें मेन रेड वाला वायर है वो बैटरी के पास जाएगा और बाकी कटआउट में हॉर्न में लग जाएंगे। हॉर्न कटआउट में 4 पिन है, जिसका कनेक्शन हम एक पिन के अंदर 2 वायर है, जो कि दोनों वायर हॉर्न में कनेक्ट हो जाएंगे। जो एक और पिन है उसको हम अर्थ में लगा देंगे, तो दोनों पिन को हम अर्थ में लगा देते हैं एक करके। इसमें एक साइड में हम हॉर्न में डाल देंगे और इस वायर को छोलकर हम कहीं पर भी जहाँ पर नट है वहाँ पर अर्थ में लगा देंगे। आपके पास कोई भी बाइक हो, सब में कटआउट वाली प्रोसेसिंग एकदम सेम है। अब इस कटआउट में हम दोनों जो वायरिंग से हॉर्न की पिन आती है वो एक दूसरे से अपोजिट लगा देंगे, और बीच वाली जो सीधी पिन आती है इस वायर का कनेक्शन हम बैटरी में प्लस वायर के साथ करेंगे। और मैं फिर आपको हॉर्न बजा के दिखाता हूँ इसका साउंड के साथ है। अब हम इसके अंदर पुलिस लाइट लगाएंगे, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है इंस्टाग्राम पर। तो इसके साथ ये इसका स्टैंड आता है, तो इसमें हम फिट कर देंगे। आप वीडियो को पूरा देखो तभी आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और आप इसमें जो आपकी बाइक में कनेक्शन करने जाते हैं वो कर सकते हो मेरी वीडियो देखकर। इस पुलिस लाइट में 3 वायर आते हैं, रेड, येलो, ब्लैक, जिसका मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा बटन लगाएंगे, तो हम इसका कनेक्शन उसी के साथ करेंगे। तो जल्दी से मैं इस बटन को फिट कर देता हूँ। इसका कनेक्शन बहुत ही इजी है। इस बटन के दोनों पिनों को आगे से काट देंगे और वायर को छोलकर जो मेन लॉक की पिन आती है, जिसमें ब्लैक रेड वायर है, उसमें हम एक वायर को जोड़ देंगे बटन के। तो इसकी पिन जो वाइट कलर में है आप देख सकते हो, इसको हम निकाल देंगे। अगर आपको कभी भी एक्स्ट्रा बटन लगाना हो तो आपको
कहीं से भी वायर को कट नहीं करना है, सीधा उस पर डायरेक्ट पिन के अंदर ही लगाना है वायर को, जिससे हमारी वायरिंग ख़राब ना हो। अब इस बटन के दूसरे वायर को हम पुलिस लाइट में जो रेड वायर है उसके साथ जोड़ देंगे। आप चाहो तो येलो कलर का वायर, इसमें क्या डबल फंक्शन है, तो हम इस रेड वायर का फंक्शन एकदम बढ़िया है तो हम इसके साथ लगाएंगे। और ऊपर से टेप लगा देंगे। एलईडी लाइट का जो ब्लैक वायर है उसको मैंने अर्थ में लगा दिया है, तो अर्थ में लगाने से हमारी एलईडी लाइट का कनेक्शन भी पूरा हो जाता है। तो मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो हमारा कनेक्शन एकदम बढ़िया हो चुका है। अब इसके बाद हम लगाएंगे एलईडी प्रोजेक्टर जो हेडलाइट के अंदर लगेगा। ये मल्टी कलर से आता है, इसका जो आगे का लेंस है वो भी बहुत बड़ा है और इसकी रोशनी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। इसकी आपको प्राइस देखनी हो तो मैंने इसके लिंक यूट्यूब पे डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब आपको इसको मैं ऑन पर दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट का कनेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले इस हेडलाइट को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इसको आगे से गर्म कर कर हमें इसका ऊपर का जो गिलास है वो अलग करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। ये हीटिंग वाली मशीन है जिससे हम उसको एकदम गर्म हो जाएगी, और ये सिलिकॉन से चिपकी हुई होती है, तो इसका सिलिकॉन गरम होने से एकदम अलग हो जाता है। हमने प्रोजेक्टर को फिट कर दिया है एकदम बढ़िया तरीके से। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए हमें इसकी जो हेडलाइट है उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट करने के लिए जो मेन स्विच है जो हेडलाइट का, उसमें जो येलो कलर का वायर है उसमें हम कट लगा दिए, और इसके साथ जो वायर था ब्लैक उसमें हम जोड़ देंगे, तो हमारी हेडलाइट डायरेक्ट हो जाएगी। तब हम इस पर लोड नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको डायरेक्ट कनेक्शन कर नहीं करते तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसके लिए हम इसको बैटरी से कनेक्शन किया है। अब हमने इसमें ब्लैक वायर के साथ जोड़ दिया है, ऊपर टेप लगा दी है, तो हमारी एक हेडलाइट है वो डायरेक्ट हो गई। अब हम इसका जो कनेक्शन करते हैं, इसके अंदर भी तीन वायर आते हैं प्रोजेक्टर में, तो तीनों वायर का कनेक्शन हम जिस में होल्डर लगा है बल्ब का उसके साथ ही करेंगे। इसमें ज़्यादा हार्ड कनेक्शन नहीं है, जो तीन वायर उसमें है तीन वायर इसमें है, तो हम इसका जो ब्लैक वायर है ओनली उसका ध्यान रखना है। उसको कनेक्शन हमें जो ग्रीन वायर है उसके साथ करना है, वो बाकी दो वायर अलग है
उसका कनेक्शन हम एक दूसरे वायर के साथ करते हैं, जैसे वाइट और ब्लू के साथ। मेन इसके अंदर ब्लैक ही है। अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको ऑन करके दिखाएंगे। तो हमारा कनेक्शन एकदम परफेक्ट तरीका से हो गया है। अब इसका वायर हम लगा देते हैं। अब हम इसके अंदर लगाएंगे एस वाली एलो व्हील। उसके लिए हमें पहले टायर खोलना पड़ेगा, तो हम दोनों टायर को खोलकर इसमें करते हैं एलो व्हील को फिट। मैंने इसके अंदर एलो व्हील को फिट कर दिया है, तो इसका आप लुक देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर टायर वाली एलईडी लाइट और कई पार्ट्स में डालने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। We're about to turn it on.